ये 2 kg है और 900 ग्राम साफी यानी कि अब हो गया 1 kg और 800 ग्राम बाकी साफी गोश्त रह गया पीछे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये हमने डाला प्रेशर में, ये हमने डाल दिया इसमें। ठीक हो गया, एक चम्मच, चम्मच, दो चम्मच। ठीक, ये देख, सही हो, ये वाली मिर्च सही, मिर्च और साबुत डालनी है। ठीक है, यह ग्रेवी बेहतरीन कढ़ाई वाली बन गई, कलर बेहतरीन हो गया, खुशबू इसकी और। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद यूनुस शहज़ाद और आप लोगों को एक और व्लॉग में और एक और खूबसूरत से मौसम में खुश आमदीद। तो जी, आज जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि पापा वापस आ गए हैं सऊदी अरब से, और पापा जब से आए पापा से हमने कुछ भी नहीं बनवाया, और आज हमने जी पापा को दोबारा से पकड़ लिया है। पापा को कहा जब आप कुछ बना के दें, और अभी मुझे खुद ही नहीं पता क्या बन रहा है। अभी हम चलते हैं आकाश किचन में और पूछते हैं जी क्या बनना है। और आप आज मौसम देख सकते हैं, ये देखें खूबसूरत सा मौसम हुआ आज। तो चले हैं आप किचन में, चलते हैं पापा के पास। तो जी अब हम लोग आ गए नीचे, अब हम जा रहे हैं पापा के किचन में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे किचन में छोटे चाचू भी आ गए। छोटे चाचू को उसके फारवार के साथ शहजाद के किचन में खुश आमदी। तो ये आज आप बहुत देर बाद हमारे किचन में आया, माशाल्लाह से हमारे हाथ आए आज। तो आज आप क्या बनने लगे? और इंशाल्लाह मैं अपने किचन में ही रहूँगा, शहजाद के किचन में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आज हम बना रहे हैं, ये बीफ की कढ़ाई है जी। जी बीफ मछली का गोश्त लिया हमने। अच्छा जी, ये है 2 kg हमारे पास जी। ये देखें सब गोल बोटी है। हाँ जी, कढ़ाई वाली बोटी बनवाई। ये 2 kg है और 900 ग्राम साफी यानी कि अब हो गया 1 kg और 800 ग्राम बाकी साफी गोश्त रह गया पीछे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये हमने डाला प्रेशर में, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही यूनिक। एक बार ज़रूर ट्राई करें आप अपने किचन में, जैसे बना रहा हूँ सेम वैसे। फिर अपने कमेंट्स में हमें बताएं कि कैसे करें जी। ये आ गया और ये आ गया जी हमारे पास लहसुन का पानी। ठीक हो गया, इसमें डालना है लहसुन वाला पानी। ओके, ये देख वो कितना है, ये देखें। जब भी आप पानी डालें, मैं आपको एक अंदाजे से बता रहा हूँ, ये देखें आपका गोश्त उसमें डिप हो जाए, पानी थोड़ा सा उसके ऊपर आ जाए, क्योंकि बीफ है इसे टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए गलने के लिए। मटन होता तो फिर उसका पानी थोड़ा डालते हैं। ठीक हो गया, ये हमने रख दिया चूल्हे पर। हाँ जी, अब हमने माशाल्लाह और अब हम इसमें डालेंगे ये चीज़ें जी। बहुत ही लिमिट मसाले, कुछ ज़्यादा नहीं, हर चीज़ बेहतरीन लिमिट में। सही हो, ये देखें ये नमक। हाँ जी, हाफ हाफ हाफ, तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच। अब ये जी पीसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, ये चौथा हिस्सा। ठीक, ये हो गया। अब ये है हमारे पास दादड़ मिर्च, जिसे दड़ा मिर्च भी बोलते हैं और दादड़ मिर्च भी बोलते हैं। ये हाफ टेबल स्पून। ये यदि आप कॉपी पेंसिल ले लें अपने पास। और ये है साबुत धनिया पिसा हुआ, बिल्कुल पाउडर नहीं, ये भी दादड़ दादड़ क्रश किया हुआ। सही, ये तकरीबन 1 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। और ये है जी हमारे पास टमाटर इस साइज में, ये देखें। सही, टमाटर आपने लाल लेने, कच्चा टमाटर इसमें नहीं डालना। 2, 3,
और ये चार, ये देखें जी, ये हो गया। आपने इसके पीस करने हैं जी चार, ठीक हो गया। ये देख लेंगे फिर से, ये देख ऐसे चार पीस कर देंगे, ठीक हो गया जी। अब ये हमारे टमाटर कट गए जी, ये थे हमारे पास चार अदद बड़े साइज वाले टमाटर, ये हमने डाल दिए इसमें, ठीक हो गया। ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें कोई प्याज नहीं डालना। कढ़ाई की जो ओरिजिनल रेसिपी है वो होती है टमाटर के साथ बगैर प्याज के जी। ये हमने चढ़ा दिया चूल्हे पे, अब हम इसको करेंगे जी बंद। सही हो, ये हो गया बंद, ठीक। ये आ गई अब इसकी सीटी, सीटी चूल्हा जब भी चलाएं उसकी गैस इससे नीचे रहे प्लास्टिक से जी, यहाँ से भी नीचे यहाँ से भी नीचे। अगर ज़्यादा तेज होगा चूल्हा तो ये जल जाएंगी, प्रेशर के फटने का खतरा है यहाँ से जब रबर को सेक पड़ेगा। सही, आप इन दोनों से नीचे इसका इसको रखें। अभी ये देखें जी टाइम क्या हुआ है, टाइम 6:16। हाँ जी, अभी नमाज का टाइम हो गया मगरिब की नमाज का, अभी पढ़ते हैं हम नमाज जी। और सीटी बोलने के बाद इसको 20 मिनट आपने टाइम देना है, सीटी बोलने के बाद जब ये सीटी बोलेगी तब 20 मिनट, तब तक हम पढ़ते हैं नमाज इंशाल्लाह, मिलते हैं नमाज के बाद। चलो जी, वालेकुम सलाम, आपको दोबारा से शहजाद के किचन में खुश आमदी। 6:16 सीटी लगाई थी और अभी इसको हो गया है माशाल्लाह 17 मिनट, 3 मिनट बाद हम इसको बंद कर देंगे इंशाल्लाह। अब जी हमने कर दिया चूल्हा अपना बंद, टाइम 6:47 और 6:27 पे सीटी बोली। अब ये हो गया 6:47, चूल्हा हमारा हो गया बंद। अब हम उठाएंगे जी इसकी सीटी, लो जी हमने उसकी सीटी उठा ली, अभी देखते हैं माशाल्लाह। ओए ओए ये देखें जी, ये देखें इतना सा इसमें रह गया पानी। हाँ जी, और ये आ गई इसकी बूटी, ये माशाल्लाह नरम हो चुका है, ये देखें। अभी हमारा दूसरा प्रोसेस होने लगा शुरू, जब ये जी हम प्रेशर से निकाल के इसको डालेंगे लो जी। ये स्मोक कर रहे ऊपर से, ये जो इतने मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, ये देखें ये आ गया जी इधर। अब चला देंगे जी हम इंशाल्लाह ये चूल्हा, एक चम्मच, दो चम्मच, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये देखिए पूजा ने किचन में इब्राहिम भाई ने ज्वाइन कर लिया, अब हमारा कितना काम कंप्लीट हुआ है, तकरीबन 3 ही से कंप्लीट हो गया, एक हिस्सा बाकी रहे। चलो जल्दी जल्दी वो भी कंप्लीट हो जाए। अभी इसकी होनी है बुनाई। हाँ जी, छोटे शेफ भी आ गए, ये हमारे छोटे शेफ हैं जो इंशाल्लाह अभी सीख रहे हैं स्कूल से आके, अप्रैल भी अभी इनको बढ़ा है स्कूल से आके, इंशाल्लाह ये क्लास लिया करेंगे इधर इंशाल्लाह, और नेक्स्ट शेफ होंगे ये। ओए होए 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 होए, यहाँ तुझे काम खराब हो गया।
ये जी हमारे पास सबर धनिया, ये हम यहाँ से इसे काट देंगे। ये हमारा हो गया जी ज़ाया। सही। ये देख, अब ये धनिया देखें जी, इस तरह बारीक काटना आप लोगों ने। ये ले जी, ये हमारा धनिया कट गया बारीक बारीक। कोई भी चीज काटें, चाहे वो अदरक हो चाहे वो धनिया हो, उसे बारीक बारीक काटें। ये हमने अपना अदरक भी काटा है, ये देख बारीक बारीक, ज्यादा लंबाई में भी नहीं, बेहतरीन। ये देखें, ये देखें जी, ये बोटी देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये देख ये नरम हो चुकी है। ये देख, अभी हमने डालना है इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, इतना सा, ये तकरीबन 2 से 2.5 चुटकी। सही। बस अब इसकी गैस करेंगे थोड़ी स्लो। सही। और अभी थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर लगाएंगे जी ढक्कन। ये इसका ढक्कन ऊपर आ गया। हाँ जी। अब हमारे पास हैं जी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। सही। इसकी ये डंडियां हम उतार देंगे। ये हो गया जी। सही हो गया। डालेंगे जी ये थोड़ी सी मेथी, बिल्कुल थोड़ी। ये देख, ये देख, बस ये हो गया। थोड़ी सी और डालते हैं, हल्की सी चुटकी बस। सही हो गया। ये देखें जी, अब इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। हाँ जी। ये अब तैयारी पे आ गई कढ़ाई। शुक्र है। दिखाएं जी आगे, ये देख। सही हो। और अब इसमें हमने डाल देनी है ये वाली मिर्च। सही। मिर्च और साबत डालनी है। ठीक है। ये ठीक हो गया। और ये ज़रूरी नहीं होता कि हर हांडी में या हर कढ़ाई में या हर सालन में, ना तो हर सालन में कटी हुई मिर्च जो हम कुतर के डालते हैं वो अच्छी लगती है, और ना ही हर सालन में साबत मिर्च अच्छी लगती है। कुछ सालन ऐसे हैं जिसमें साबत मिर्च अच्छी लगती है, और कुछ सालन ऐसे हैं जिसमें कटी हुई मिर्च जिसको हम कुतर के डालते हैं वो अच्छी लगती है। और इस वाली रेसिपी के साथ इस कढ़ाई में साबत मिर्च डालनी है, काट के नहीं डालनी। ठीक हो गया। ये देखें जी, मिर्चों के साथ और प्यारा लगने लग गया। अभी लगा देंगे हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे, ताकि इसकी खुशबू और बेहतरीन हो जाए इसकी खुशबू। लें जी, अब हमारा खाना हो गया तैयार, डिश भी हमारे पास आ गई, और ये अब हम करने लगे हैं इसको सर्व। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसकी खुशबू देखें बस, खाना बाद में पहले खुशबू। दिल करता है सारा ही गोश्त खा जाओ।
आप जो देख रहे हैं उनका भी ये दिल करता होगा। आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। रेसिपी तो सारी वीडियो में बता दी है, बस अब आप लोगों ने उसी तरह पकाना है। ये देखें जी, ये ग्रेवी के साथ ऊपर गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया बस। तो ये ले जी, ये लें जी, ये देखें, ये देखें जी, एक बार ज़रूर ट्राई करें। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ट्राई करने लगे नहीं करने लगे खाने लगे। ये देखें जी, ये हमारा गोश्त आ गया। ये देखें आप कितना ज़्यादा नरम है। मुझे अब इसको ट्राई करते हैं। मुँह तो लिया मेरे कैसे है? बहुत कमाल है, ये बहुत ज़्यादा कमाल है। ये आप लोग लाजमी ट्राई करें। तो आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे नहीं इजाज़त। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब पर अपनी ढेर सारी रहमत और ढेर सारी बरकत नाज़िल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।